नमस्कार दोस्तों, और ये मैंने मंगाया है TPL सोनो वाइट। ये थाईलैंड में भी बहुत कम आदमी के पास होगा, मतलब मुझे लगता है थाईलैंड में 4 से 5 आदमी के ही पास होगा। ये DHA PPL सोनो वाइट, मतलब वाइट कलर का होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है ये। तो ये सब मेरा साथ में ही सब आया था, वो थाईलैंड से मैंने इम्पोर्ट किया था। तो देखिए इसका सीड्स का क्वालिटी देखिए दोस्तों, ये भी बहुत जबरदस्त क्वालिटी का सीड्स है दोस्तों। ये देखिए सीड्स मोटा मोटा एकदम फ्रेश सीड्स है, हार्वेस्ट किया हुआ है। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए सीड्स का क्वालिटी देखिए दोस्तों, मोटा मोटा भारी है। तो सेम प्रोसेस करना है दोस्तों कि ये थोड़ा थोड़ा इसको मिला देना है। कोकोपीट अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। मैं शुरू से सभी को बोलता हूँ कि सर कोकोपीट अच्छे क्वालिटी का लीजिए, थोड़ा बहुत सर्च करके देख लीजिए और जहाँ से खरीदेंगे उसका रिव्यू भी देख लीजिए कि किस तरह का कोकोपीट है उनका, अच्छा है या ख़राब है। तो आप देख सकते हैं और अच्छे क्वालिटी का मंगा सकते हैं कोकोपीट। तो दोस्तों ये सेम प्रोसेस, ये एक एक इंच पर रखना है। ये देखिए ये ऐसे ऐसे रख देना है दोस्तों। कोकोपीट में रेशा नहीं होना चाहिए, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ दोस्तों। बस अच्छे क्वालिटी का अगर कोकोपीट होगा तो वो जर्मिनेशन अच्छा देगा आपका, और बिंदास होके लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। डरेंगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, जो डर गया वो मर गया, वो समझो मर गया। वो गब्बर सिंह का शोले का डायलॉग है। तो ये दोस्तों मैं इसको पूरा सजा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों देखिए इस तरह से आपको सजा लेना है चारों तरफ से। ये देखिए मैंने पहले से सजा लिया, थोड़ा थोड़ा हाथ से प्रेस कर देना, ज़्यादा जोर से नहीं, मतलब धीरे धीरे, ताकि ये सीट्स अपने जगह से नहीं हिले। ये देखिए इस तरह से आपको कर लेना है दोस्तों। ये स्नो वाइट PPL है, ये वाकई में बहुत खूबसूरत मतलब प्लांट होता है ये एडेनियम का। ये यूनिक में से यूनिक प्लांट है, ये रेयर प्लांट है। ये जब थाईलैंड में बहुत कम लोगों के पास है तो आप समझ ही सकते हैं इंडिया में किस तरह का होगा। ये सिंगल पेटल में आता है, मैं इसका फ्लावर का पिक्चर भी इसमें ऐड कर दूंगा बीच में। और ये बहुत ही रेयर वेराइटी है, शायद ही आपको कोई दे पाएगा। ये इंडिया में तो दूर की बात, आपको थाईलैंड में भी ये मिलना मुश्किल होगा दोस्तों। और सेम प्रोसेस क्या करना है दोस्तों, देखिए 1 लीटर 1.5-2 लीटर का फिर मैंने पानी भर लिया है, फंगीसाइड इसमें घोल लिया है 2 ग्राम फंगीसाइड, और अच्छे से मिला भी लिया है इसमें। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये आपको कोकोपीट लेना है सेम जो मैंने पहले प्रोसेस किया था, और धीरे 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 चाल देना है इसमें। ये देखिए लेयर बना देना, देखते भी रहना है कि लेयर कहां तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये पूरा सीड्स ढक जाना चाहिए, और जो रेशा होगा वो निकाल दीजिएगा दोस्तों, ताकि जर्मिनेशन में सुविधा हो, आराम से सीड्स जर्मिनेट हो जाए। रेशा नहीं होना चाहिए दोस्तों, एकदम फ्रेश कोकोपीट लेंगे, 1 सप्ताह के भीतर में ही ये सारा ग्रो हो जाएगा। जो मेन क्वालिटी है वो कोकोपीट पे निर्भर करता है। अगर आपका अच्छा कोकोपीट का क्वालिटी रहेगा, मैं बार बार वीडियो में यही बोलता हूँ कोकोपीट के बारे में, अगर कोकोपीट में जो अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और बिगनर के लिए ये कोकोपीट बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, जो नए हैं, जो ग्रो इससे पहले नहीं किए हैं और वो करना चाहते हैं, मतलब ट्राई करना चाहते हैं कि मैं देखता हूँ सीड्स कैसे ग्रो होता है क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों आपको हल्का सिर्फ मल्चिंग कर देना है ऊपर से, ज़्यादा भी नहीं, मतलब हल्का, ताकि वो सीड्स सारे अच्छे से बैठ जाए, मतलब डूब जाए इसमें। हल्का मैंने इस पर चाला है दोस्तों, ज़्यादा नहीं चाला है, बस सीड्स सिर्फ मेरा ढक गया है और इस पर कुछ भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं मैंने दिया है, मतलब मैंने ऐसे चाला है कि मतलब सीड्स ढक गया है इसमें। ये देखिए दोस्तों, और थोड़ा थोड़ा ये हाथ से ऐसे 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 दबा देना है दोस्तों, ताकि अपना सीड्स जो है जगह पे ही रहे, हिले डोले नहीं। ये देखिए दोस्तों मैंने अच्छे से इसको बैठा दिया है,
ताकि सीट्स अपने जगह पे ही रहे हिले डोले में। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा फेवरेट है और शायद इसमें मैंने इसलिए इसको मंगाया था कि मैं इसको सेल नहीं करूंगा, अपने पर्सनल यूज के लिए ही रखूंगा, इसको मदर प्लांट बनाऊंगा जो भी मेरे पास प्लांट होंगे। उसके बाद भविष्य में अगर ऐसा होगा तो मैं प्लांट भी सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और सस्ते में, और सीड्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। तो ये मैंने सारे को एडजस्ट कर दिया है। ये मेरा स्नो वाइट PPL, मेरे अभी तक का ये सबसे मेरा फेवरेट है। ये देखिए दोस्तों, और सेम प्रोसेस करना है ये स्प्रे वाला काम, जब तक आपका नीचे से ड्रेनेज नहीं हो जाए तब तक आपको इस पर स्प्रे करते ही रहना है दोस्तों। मैं स्प्रे कर लेता हूं दोस्तों, फिर आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये दोस्तों ये देखिए, अब ये कंप्लीट हो गया है, मतलब नीचे से पानी ड्रेनेज होना शुरू हो गया है। उसके बाद सेम प्रोसेस, ये देखिए टब ले लीजिएगा सेम ये, और सेम इसको ऐसे ढक देना है दोस्तों। ढकने के बाद टेप ले लीजिएगा। मैंने टेप इसलिए लगाया दोस्तों कि इसका मॉइस्चर बना रहे और डब्बा अपने जगह से हिले नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसमें टेप मार दिया है ताकि ये मॉइस्चर इसका अंदर से बाहर नहीं आए और ये सेम ढका रहे और ये डब्बा हिले डुले भी नहीं, मतलब कुछ गिर जाने पे हिल जाता है या ठोकर लगने पे ये खुल जाए तो ऐसा नहीं होगा। ये अब टेप मार दीजिएगा तो ये अपने निश्चिंत हो जाइएगा, मतलब ये अच्छा ये। और एक सप्ताह तक सर दोस्तों इसको शेडिंग एरिया में रख देना है। शेडिंग एरिया में एक सप्ताह के बाद इसको आप खोल के देख लीजिएगा इसका मॉइस्चर बना हुआ है कैसा है नहीं है। अगर कम मॉइस्चर होगा तो आप थोड़ा बहुत स्प्रे कर सकते हैं फंगीसाइड का, फंगीसाइड डाल के स्प्रे कर दीजिएगा, और मॉइस्चर होगा तो छोड़ दीजिए। एक सप्ताह में तो दोस्तों पूरा सीड्स ग्रो हो जाएगा ये। और आज का डेट हो गया 15/4/22, इसमें मैंने स्नो वाइट PPL डाला है, PPL स्नो वाइट। तो दोस्तों एक सप्ताह के बाद मैं रिजल्ट दे दूंगा इसका, इसमें कितना ग्रो हुआ सारा। तो नमस्कार दोस्तों, आप इजली वे में उगा सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में आपको 10 में से 5 सीड्स भी अगर मान लीजिए ग्रो होता है, अगर बिगनर है तो आपके लिए अच्छा ही है। मेन डिपेंड करता है सीड्स का क्वालिटी पे, सीड्स का क्वालिटी अच्छा होगा तो आप किसी चीज़ में भी आराम से इजली वे में उगा सकते हैं, बिगनर के लिए जो नया ग्रो करना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक सप्ताह बाद मैं रिजल्ट दे दूँगा।